ओके बच्चों, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा एक्शन होता है? जब हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली किसी हर्ट से बचने के लिए जो एक्शन करती है उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किचन में गए और किचन में आपको कोई गर्म गर्म पॉट लग गया, तो आप एकदम से अपना हाथ पीछे करोगे, तो वो एक्शन आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। और ये रिफ्लेक्स एक्शन कौन कराता है हमको? हमारे जो सेंसरी नर्व्स हैं वो मैसेज देती हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स को कि एकदम से आपकी स्किन को गर्म लगता है तो आप क्या करते हो, पीछे कर लेते हो। तो वो एक्शन सेंसरी नर्व्स हमसे करवाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंसेस। तो सेंसेस क्या होते हैं? वो जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आईज है, नोज है, स्किन है, टंग है ना, ईयर्स हैं, तो ये सेंस ऑर्गन्स ब्रेन से मैसेज रिसीव करते हैं और फिर जो रिस्पॉन्ड करती है हमारी बॉडी वो सेंसेस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी मम्मा किचन में खाना बना रही है और बहुत अच्छी डिश बन रही है, तो एकदम से आपको स्मेल आई, तो नोज सेंस ऑर्गन्स है ना, तो नोज ने आपको मैसेज दिया। नोज ने क्या किया, पहले ब्रेन को मैसेज दिया और फिर ब्रेन ने आपकी नोज को मैसेज दिया दोबारा से, तो आपको स्मेल आई और वो स्मेल आपने क्या किया, आपका फिर माउथ वाटरिंग करने लगेगा, लार टपकने लगेगी खाना देख के, है ना। तो वो एक्शन जो होगा वो हमारे सेंस ऑर्गन्स करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है आईज। ठीक है, तो आईज क्या है, देखो आईज किसके लिए होती है? फॉर साइट, देखने के लिए।